विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आज अखनूर में एक विशाल शौर्य जागरण यात्रा रैली निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र संगठन मंत्री मुकेश खंडकर का कहना है कि कई राजनीतिक दल और कुछ समाज विरोधी लोग हमारे धर्म को समाप्त करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुकेश खांडेकर का ये भी कहना है कि कहीं लव जिहाद के माध्यम से हमारी बहु बेटियों पर अत्याचार चल रहे हैं, तो कहीं गोमाता का लगातार हनन होता जा रहा है। अगर हमारा समाज जागेगा तो आने वाले समय में हमारा भारत एक अखंड भारत बनकर उभरेगा, जिसको कभी भी कोई तोड़ नहीं पाएगा। इसी के उपलक्ष्य के ऊपर आज हमने अखनूर में भी शौर्य जागरण यात्रा को निकाला है और समाज को, खासकर यहाँ की युवा पीढ़ी को नशों से दूर रहकर धर्म के प्रति जगाने का प्रयास किया है। मेरा नाम मुकेश खांडेकर है, विश्व हिंदू परिषद का मैं क्षेत्र संगठन मंत्री हूँ इधर उत्तर भारत का। और ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं, ये वास्तव में देश व्यापी एक शौर्य जागरण यात्रा का यह कार्यक्रम चल रहा है। 30 सितंबर से 14 अक्टूबर के मध्य संपूर्ण देश के जितने भी खंड प्रखंड हैं, बस्तियां हैं, नगर हैं, सभी स्थानों पर संपूर्ण समाज का जागरण करने के लिए यात्रा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के माध्यम से निकल रही है। विश्व हिंदू परिषद को इस वर्ष 60 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए षष्ठी पूर्ति का वर्ष है। और बजरंग दल संपूर्ण समाज में अपना जो नौजवान है, आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे समाज में है, कहीं धर्मांतरण के माध्यम से लगातार अपने समाज को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है, कहीं पर सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए कहीं राजनीतिक दल, कहीं अपने इस धर्म के विरोधी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, कहीं लव जिहाद के माध्यम से हमारी अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार चल रहे हैं, कहीं गौ माता का लगातार हनन होता चला जा रहा है। ये सभी हमारे धर्म के ही धाराएं हैं और इनको बचाने के लिए, समाज को जगाने के लिए आज युवा शक्ति अगर हमारी जागृत हो जाती है, जो पश्चिम मानसिकता से ग्रसित है, कहीं पर नशे से ग्रसित है, इसमें से निकलकर हमारा युवा समाज अगर एक बार खड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से भारत पुनः अखंडित होगा। और जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान दिया है, क्योंकि भारत के आजादी के 75 वर्ष भी पूर्ण हो गए हैं, इसलिए इन सबका स्मरण करना, उनको श्रद्धांजलि देना और ऐसे महापुरुषों के स्मरण करते हुए संकल्प लेना कि देश हमें देता है सब कुछ, तो हम भी तो कुछ देना सीखें। हम क्या दे सकते हैं? उन महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया इस धर्म की रक्षा करने के लिए, निजी स्वार्थ को छोड़कर देश धर्म राष्ट्र समाज की रक्षा करने के लिए। हम इतना ही कर सकते हैं कि भला हो जिसमें देश का, बस वो काम हम सब किए चले। इसी का संदेश देने के लिए शौर्य जागरण यात्रा संपूर्ण कश्मीर से लेकर जम्मू के क्षेत्र में निकल रही है। श्रीनगर से अभी हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी, अभी मैं डोडा से आ रहा हूँ, पूंछ से बूढ़ा अमरनाथ से भी यात्रा निकली, सुंदरबनी से निकली और इस महादेव मंदिर के प्रांगण से पूजनीय संत महात्मा के आशीर्वाद से संपूर्ण देश भर में इस प्रकार की यात्रा निकल रही है। समाज का जागरण हो और आगे रामलला का जो मंदिर बना है, वहां जो रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, समाज के सहयोग से बना, 10 रुपए से 100 करोड़ तक के लोगों ने दान दिया है, समर्पण दिया है, इसलिए सब लोग उस दर्शन को करने के लिए जरूर आए, क्योंकि राम का मंदिर मात्र एक मंदिर नहीं, वो धर्म अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर है। अपने राम का मंदिर दर्शन करने के लिए आए, इसका निमंत्रण देने के लिए भी यात्रा है। जय श्री राम। नमस्ते बहन जी। नमस्ते मैडम जी। चिंटू स्कूल क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है? बच्चों के पापा बड़े दिनों से बीमार हैं, घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चों को कैसे स्कूल भेजूं? आपकी बेटी भी तो काम कर सकती है ना? वो तो लड़की है, लेकिन हाँ उसके पापा ने ना उसको अपना इलेक्ट्रिक ऑटो चलाना सिखाया है। आपकी बेटी इलेक्ट्रिक ऑटो तो चला सकती है, फिर लोग क्या कहेंगे? बहन जी आजकल जमाना बदल चुका है, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है, और सोचना बंद कीजिए और लड़की से कहिए कि वो ऑटो चलाए। सच मैडम जी। जी अरे तुम, हेलो मैम, कैसे हो आप? तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हुई, तुम और लड़कियों को भी इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने के लिए प्रेरित कर सकती हो। चलिए मैम आपको भी छोड़ देती हूँ। जीती रहो। अब जुपिटर मोटर गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने वाली लड़कियों को दे रहे हैं 10,000 की विशेष छूट, ताकि लड़कियां बन सके आत्मनिर्भर। इनके पास मात्र इलेक्ट्रिक ऑटो ही नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक साइकिल भी है। जमाने की छोड़ो परवाह,
गोदावरी के इलेक्ट्रिक ऑटो को कहो हाँ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।